हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 23-24 सेशन के अंतर्गत रेलवे ने फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अभी कुछ टाइम पहले एक नया मेरिट लिस्ट जो है पब्लिक किया है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हो। तो वीडियो के एंड तक बनी रही, सारी जानकारी आपके पास होगी कि पार्टिकुलर जो मेरिट लिस्ट है वो किस पर्पज से रिलीज किया गया है, ठीक है, कितने कितने कैंडिडेट को कितने ट्रेड वाइज यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड किया गया, किस डेट में आपको बुलाया गया, सारा जानकारी देखेंगे। और मेरिट लिस्ट में सबसे खास बात यह है कि इसमें आपका ट्रेड वाइज कैटेगरी वाइज आपका कटऑफ भी जारी किया गया है। तो मेरिट लिस्ट के साथ साथ हम कटऑफ के बारे में डिटेल से आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। मेरिट लिस्ट आपको कहां से डाउनलोड करना है, कैसे अपना नाम मिलाना है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लेके जाना है, कहां जाना है, सारा डिटेल से बात करेंगे वीडियो के आगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे से रिलेटेड ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट अपडेट आपको वहां पर देखने को मिलते रहता है। तो सीधे चलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के मेरिट लिस्ट पे। हेलो दोस्तों, जितने भी छात्र रेलवे आरपीएफ आरपीएसएफ कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि रेलवे ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि आज की इस वीडियो में हम किरण पब्लिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं, जो अभी तक का मार्केट में सबसे अच्छा रिजल्ट आपको दे रही है, खासकर रेलवे के बारे में, ठीक है। इसका 2024 का लेटेस्ट एडिशन बुक जो है पब्लिक हो चुका है, जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध है। और इसमें 2019 के जितने भी एग्जाम हुए थे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के, सभी का प्रीवियस ईयर पेपर विथ डिटेल सॉल्यूशन के साथ आपको अवेलेबल है। और इसके साथ साथ आपको कुल 22 सेट सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। इस बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से जाके आप ऑनलाइन खरीद सकते हो, और नहीं तो आप नियरेस्ट बुक स्टोर पर विजिट करके इस बुक को खरीद सकते हो। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हम फाइनली आपका मेरिट लिस्ट पे आ गए हैं, ऑफिशियली मेरिट लिस्ट पे, जो रेलवे की तरफ से आज के डेट में रिलीज किया गया है। मेरिट लिस्ट आपको कहां से डाउनलोड करना है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो सीधे आपको profitstudy.in पे मेरिट लिस्ट के सेक्शन में जाइएगा, तो वहां से जाकर आप इस मेरिट लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए, आपको इस साइड यहां पर आपको कट ऑफ क्या क्या देखने को मिलेगा, सीरियल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, आधार नंबर, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, और यहां पर मेरिट लिस्ट। जो आपका मेरिट तैयार किया गया है वो आपका 10+ ITI के एवरेज परसेंटेज के ऊपर यहां पे मेरिट लिस्ट तैयार किया गया। उससे पहले बात करते हैं कि मेरिट लिस्ट कहां से रिलीज किया गया, तो देखिए ये जो मेरिट लिस्ट है आपका आज के डेट में, ठीक है, देखिए यहां पे 15 जनवरी 2024 रेल डिब्बा कारखाना कपूरथला, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला की तरफ से जो आपका 550 पोस्ट पे नोटिफिकेशन जारी किया गया था एक्ट अप्रेंटिस का, जहां पे फोर्थ डीवी जो कंडक्ट हुआ था उसका फाइनल यहां पे मेरिट लिस्ट जो है डिपार्टमेंट जारी किया है। ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग मेरिट लिस्ट जो है डिपार्टमेंट यहाँ पे जारी किया है। आप सोच लीजिए कि 550 पोस्ट पे अप्रेंटिसशिप आया और इसके लिए फोर्थ मेरिट लिस्ट तक डिपार्टमेंट को जारी करना पड़ा, सोच लीजिए कटअप कितना परसेंट कम गया है, वो भी हम सारा बात करेंगे। यहां पे देखिए विषय में रिजल्ट ऑफ फोर्थ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक्ट अप्रेंटिस फॉर इंपार्टिंग ट्रेनिंग अंडर दी अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। देन यहां पे बात करते हैं, तो यहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 14 और 15 दिसंबर को कंडक्ट कराया गया था। देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट फॉर एंगेजमेंट ऑफ 550 एक्ट अप्रेंटिस फॉर द इंपार्टिंग ट्रेनिंग इन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर। मतलब जो आपका 550 पोस्ट पे आरसीएफ की तरफ से आपका टोटल वैकेंसी जो निकाला गया था, इसके लिए आपका फोर्थ मेरिट लिस्ट भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पब्लिक किया गया था, ठीक है, ठीक है। जहां पे आपका डॉक्यूमेंट जो है आपका टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आपका हुआ था फोर्थ डीवी का, ठीक है। जो आपका फोर्थ डीवी का जो डेटेड था वो आपका यहां पर देखिए 14 दिसंबर और 15 दिसंबर 2023 के डेट में आपका टीटीसी आरसीएफ कपूरथला में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया था, जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट पार्टिसिपेट किए थे। अगर आप डीवी वाला मेरिट लिस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो भी आप प्रॉफिट स्टडी पे जाइएगा, वहां पे भी सारा मेरिट लिस्ट मिल जाएगा, फर्स्ट मेरिट लिस्ट से लेकर फोर्थ मेरिट लिस्ट का वहां पर अपडेट है, तो वहां से जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा कोई भी मेरिट अगर आप चाहते हैं तो, ठीक है। यहां पर बोला जा रहा कि एज ए रिजल्ट ऑफ फोर्थ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेल्ड ऑन 14/12 to 15/12/23 एट टीटीसी आरसीएफ 41 कैंडिडेट आउट ऑफ 256। यहां पे देखिए बोला जा रहा कि 246 में से मात्र 41 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको यहां पे ज्वाइनिंग के लिए डिपार्टमेंट बुला रहा है, मात्र 41 रिजल्ट यहां पे डीवी में शामिल किया गया था 246 कैंडिडेट को फोर्थ वाला में, ठीक है, पर ज्वाइनिंग आया है कितने का, मात्र 41 कैंडिडेट का यहां पर ज्वाइनिंग शामिल किया गया है, ठीक है। आगे देखिए आपको क्या बताया जा रहा,
इन देयर रिस्पेक्टिव ट्रेड हैव बीन प्लेस्ड ऑन द फोर्थ प्रोविजनल पैनल फॉर एक्ट अप्रेंटिस फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग. दे आर एडवाइज टू रिपोर्ट टू प्रिंसिपल TTC RCF ऑफिस ऑन 22/1/2024 at 9 AM to 12 PM. ठीक है, कहने का मतलब है कि जितने भी 41 कैंडिडेट को यहाँ पे शामिल किया गया है ज्वाइनिंग के लिए, उन सभी को 22 जनवरी 2024 सुबह 9 से 12 के बीच आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना है. आपको जाना कहाँ है रिपोर्टिंग के लिए, ज्वाइनिंग के लिए, तो यहाँ पे देखिए एडवाइस टू रिपोर्ट प्रिंसिपल TTC RCF. ठीक है, आपको यहाँ पे जाना है, जहाँ पे आपका DV हुआ था वहीं पे आपको ज्वाइनिंग के लिए भी जाना है. ठीक है, और आपको क्या बोला जा रहा आगे, Along with medical fitness certificate duly issued by the government authorized doctor. तो आपको यहाँ पे medical fitness certificate आपको अपने साथ कैरी करके लेकर जाना है ज्वाइनिंग के टाइम में. ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं और क्या बोला जा रहा. अगर आपको किसी भी तरह का परेशानी है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस जो हेल्पलाइन नंबर है इस पे कॉल करके आप बात कर सकते हो. ठीक है ना, और यहाँ पे आपको कुछ बताया जा रहा. देखिए, कैंडिडेट मस्ट अंडरस्टैंड क्लियरली दैट इंक्लूशन ऑफ देयर नेम इन दी पैनल डज नॉट मीन्स दैट दे आर सेलेक्टेड फॉर ट्रेनिंग. देयर सेलेक्शन एज एक्ट अप्रेंटिस इन सब्जेक्टेड टू पासिंग सर्टिफाइड द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल फिटनेस एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड. तो यहाँ पे आपको जो फॉर्मेलिटी है उसके बारे में बताया गया है. ठीक है, अब यहाँ से बात करते हैं, यहाँ से आपका मेरिट लिस्ट शुरू होता है. देख लीजिए, कटअप भी आपको बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, सारा जानकारी देंगे. यहाँ पे आपको बोला जा रहा कि फोर्थ प्रोविजनल पैनल कैंडिडेट ऑफ फिटर ट्रेड रिपोर्टिंग फॉर फर्दर कोर्स ऑफ ट्रेनिंग ऑन 22/1/2024 इन TTC RCF. तो 22 जनवरी को फिटर वाले को जाना है. हालांकि 22 नहीं, सभी, आप चाहे जिस भी ट्रेड से आपका 41 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, सभी को आपको 22 जनवरी को ही जाना है ज्वाइनिंग के लिए. ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें कि कितना गया है कट ऑफ, तो कट ऑफ में देख लीजिए टोटल यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है फीटर से कितना, 16 कैंडिडेट को लिया गया है. और अगर कट ऑफ के बारे में बात करोगे तो ST से आपका 73 कट ऑफ गया है, OBC में आपका 79 गया है. और यहाँ पे बात करें और यहाँ पे देखिए अनडिजर्व का आपका 79.75 देख लीजिए, ये आपका कट ऑफ गया फीटर का. ठीक है, नेक्स्ट यहां पे बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा ट्रेड भैया, तो मैकेनिस्ट है. मैकेनिस्ट में सिर्फ एक कैंडिडेट है और कट ऑफ यहां पे देखिएगा तो 82.25 है. कौन सा, ओबीसी से. ठीक है ना, नेक्स्ट हमारे सामने इलेक्ट्रीशियन है. इलेक्ट्रीशियन में टोटल कितने कैंडिडेट हैं, तो मात्र 6 कैंडिडेट को इलेक्ट्रीशियन से लिया गया है. अगर आप कट ऑफ पे जोर डालोगे तो यहां पे कट ऑफ आप देख सकते हो, ओबीसी एक्स सर्विसमैन में 76.65 है, ओबीसी जनरल में आपका 84.65 है और अनरिजर्व में आपका 85.01% है. ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, नेक्स्ट आपका कौन सा ट्रेड है, नेक्स्ट आपका वेल्डर है. वेल्डर में टोटल यहाँ पे 18 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कट ऑफ देखिएगा तो सबसे कम आपका वेल्डर का है. कितना, ST में आपका 60.97%, ओबीसी में आपका 73.7%. और यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट आपका अनरिजर्व वगैरह का कितना है, तो जो ओपन से अप्लाई किए होंगे अनरिजर्व से उनका आपका 74.15% है. तो ये फाइनली आपका कटअप था जो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने पूरा डिटेल से क्लियर किया. SC का भी देख लीजिए, तो SC का आपका यहाँ पे 74.22% है. ठीक है, तो ये आपका 550 पोस्ट का फोर्थ मेरिट लिस्ट है. इसके बाद अब उम्मीद नहीं है कि कोई भी मेरिट लिस्ट जारी होगा. ठीक है, जिसका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया परेशान मत होइएगा, हताश मत होइएगा, अभी बहुत सारी अप्रेंटिसशिप है. अभी आपका BLW का मेरिट लिस्ट आना बाकी है, NCR का बाकी है, उधर WCR का भी फॉर्म अप्लाई हो गया है, सेंट्रल रेलवे का चल रहा है, नॉर्दर्न रेलवे का आने वाला है अगले मंथ में. तो इस तरह करके अभी रेलवे के सभी डिवीजन का अपडेट आएगा, टेंशन मत लीजिए. ठीक है, बाकी इसके रिगार्डिंग अगर आपके मन में कोई सवाल होगा, कोई डाउट होगा, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा. आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेगा आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ. ये जो मेरिट लिस्ट है आपको कहीं नहीं जाना है, सीधा आपको गूगल पे जाके टाइप करना है profitstudy.in, वहां पे आपको एक मेरिट लिस्ट का सेक्शन मिलेगा. ठीक है, स्क्रॉल करके नीचे जाएगा, मेरिट लिस्ट का सेक्शन मिलेगा, वहां से जाके आप इस मेरिट लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हो. तब तक के लिए जय हिंद जय भारत.